आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट यूनिट यूनिट नंबर 5 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन जो है स्टडी करने से पहले सबसे पहले हमारे पास एक कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट हमारे पास आता है सबसे पहले। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कोई भी बॉडी हमारे पास है उसके अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर सिस्टम का इंटायर मास जो है वो हम सपोज करते हैं कि वहाँ पर कंसंट्रेटेड होता है। तो मीनिंग के सेंटर ऑफ मास क्या होगा ऑफ ए बॉडी, और किसी सिस्टम का भी हो सकता है। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी और ए सिस्टम ऑफ बॉडीज और पार्टिकल्स भी हो सकते हैं एज ए पॉइंट एट विच द इंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड ऑफ द बॉडी इज supposed to be concentrated ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, सेंटर ऑफ मास। और हम यहाँ पर यह भी सपोज करते हैं साथ में, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी के ऊपर लगता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर लगता है, तो हम ये सपोज करके चलते हैं तो वो पूरा का पूरा जो फोर्स है वो कहाँ पर लगा हुआ है, उस पॉइंट पर जहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास जो है हमें स्टडी करना है यहाँ पर, सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी और ए सिस्टम ऑफ बॉडीज एज ए पॉइंट एट विच द इंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, मीनिंग एक पॉइंट है जहाँ पर पूरा का पूरा मास बॉडी का जो है वो कंसंट्रेटेड है। तो हम यहाँ पर हमारे पास एक आर्टिकल गिवन है, वो आर्टिकल क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम। टू पार्टिकल सिस्टम के केस में हमें जो है सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, दो पार्टिकल कंसीडर करेंगे हम, ये हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं अपना पोजीशन दिखाने के लिए पार्टिकल्स की। हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल हमारे पास है m1 जिसका मास जो है m1 है, और दूसरा पार्टिकल हमारे पास ये है जिसका मास हम कंसीडर करते हैं m2। हमारे पास ये दो पार्टिकल्स हैं, m1 का जो पोजीशन वेक्टर है ये r1 और m2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो हम सपोज करेंगे वो है r2। इनका पोजीशन वेक्टर हमने सपोज कर लिया है और इस पोजीशन को नाम देते हैं हम a और इसकी पोजीशन को हम नाम देते हैं b। a और b पॉइंट, यहाँ पर दो मास, दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं जिनका मास m1 और m2 है। तो ये हमारा xyz सिस्टम था, x एक्सिस, इधर y एक्सिस और इधर हमारी है z एक्सिस। तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करते हैं, हम ये कंसीडर करते हैं कि जो लाइन इन दोनों को जॉइंट करेगी उस लाइन पर कोई पॉइंट हमारे पास है, ये पॉइंट सी, जहाँ पर पूरा का पूरा मास बॉडी का कंसंट्रेटेड है, और इस पॉइंट सी का जो पोजीशन वेक्टर है, इस पॉइंट सी का जो पोजीशन वेक्टर है ये हम सपोज कर लेते हैं पॉइंट सी, इसका पोजीशन वेक्टर हमने रिप्रेजेंट किया है आर से। यानी कि पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है, किसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है हमें, हमें सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो सी क्या कंसीडर किया है, सी इज द पोजीशन ऑफ ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड आर जो है, आर इज इट्स पोजीशन वेक्टर, आर इसका हमने पोजीशन वेक्टर कंसीडर कर लिया है। तो सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर अगर हम सपोज करें कि हम फोर्स अप्लाई करते हैं
एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे हम। और उससे भी पहले अगर हम ये सपोज करें कि जो मास हमारे पास है V1 M1 जो मास है उसके क्रोस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी कंसीडर करते हैं हम V1 कंसीडर करते हैं, तो V1 जो है V1 इज वेलोसिटी ऑफ ऑफ M1, M2 जो है वेलोसिटी किसकी कंसीडर की, वेलोसिटी ऑफ मास M2, यानी कि वो बॉडी जिसका मास कितना है M2, उसकी वेलोसिटी हमने कितनी कंसीडर कर ली है V2। तो पोजीशन वेक्टर की टर्म में हम वेलोसिटी को राइट कर सकते हैं, V1 को राइट कर सकते हैं dr1/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं आप इसको, और V2 जो है दिस इज dr2/dt, मीनिंग हम दोनों की वेलोसिटी को इस तरह से राइट कर सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव की फॉर्म में। और अब एक्सटर्नल फोर्स अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं F1, और दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं F2। F1 और F2 जो है वो एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया है, लेट सपोज करेंगे F1 जो है एक्सटर्नल फोर्स, एक्टिंग ऑन M1 एंड F2 एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन M2। M2 पर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो M2 अप्लाई किया है। अब देखो यहाँ पर जब हमने इनके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है तो इंटरनल फोर्स भी लगेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है M1 ये M2 पर फोर्स लगाएगा और M2 जो है वो M1 पर फोर्स लगाएगा। तो हम राइट करते दो इंटरनल फोर्स भी यहाँ पर लगेंगे, इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स कौन से हैं जो पार्ट सिस्टम अपने अंदर ही लगाते हैं, यानी कि एक पार्टिकल सिस्टम का दूसरे पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगा उसको हम बोलते हैं इंटरनल फोर्स। और इंटरनल फोर्स जो आएंगे F12 से राइट कर दिया मैंने F12, ये जो फोर्स है इंटरनल फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2 है, इंटरनल फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2। और जबकि F21 को हम राइट करेंगे इंटरनल फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1। मीनिंग क्या है, जब एक्सटर्नल फोर्स लगेंगे तो ये आपस में भी फोर्स लगाएंगे, पार्टिकल M1 M2 जो है वो M1 पर फोर्स लगाएगा और M1 जो है वो M2 पर फोर्स लगाएगा, जिनको हम बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस। अब अगर हम यहाँ पर सपोज करें लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं, अब लीनियर मोमेंटम अगर हम चेक करें, लीनियर मोमेंटम फर्स्ट पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम आएगा, M1 का जो लीनियर मोमेंटम आएगा P1, ये हमारे पास आएगा M1 इंटू V1। और सेकंड पार्टिकल के लिए हम राइट करेंगे M2 के लिए लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल, M2 का अगर लीनियर मोमेंटम हम राइट करें P2, ये हमारे पास आएगा M2 इंटू V2। हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में लिख दो, तो ये हमारा लीनियर मोमेंटम आ जाएगा फर्स्ट पार्टिकल का और सेकंड पार्टिकल का। अब हमें क्या करना है, अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब अप्लाई करेंगे हम, हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो आएगा फर्स्ट पार्टिकल का, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल को मोमेंटम में चेंज लेता हूँ टाइम के साथ, तो ये नेट फोर्स के इक्वल आता है। तो नेट फोर्स जो है इसके ऊपर कितना लगा हुआ है, F1 जो है एक्सटर्नल फोर्स, F12 जो है वो इंटरनल फोर्स लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम जो है डी, इसको पी को राइट कर सकते हैं d/dt, पी की वैल्यू पुट कर देंगे M1 V1, तो ये हमारे पास आ जाएगा F1 + F(1,2), ठीक है। और फर्दर हम फिर अगर सेकंड पार्टिकल के लिए इसको राइट करें, सेकंड पार्टिकल के लिए भी हम इसको राइट कर सकते हैं, या यहीं पर हम इसको एक बार फिर कर देते हैं, V1 की भी वैल्यू पुट कर देते हैं, M कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर राइट कर देंगे M1 d/dt, और V1 की वैल्यू जो आएगी वो फर्दर हमारे पास क्या थी, dr/dt थी, dr/dt, तो ये हमारे पास आ जाएगा F1 + F12। तो यहाँ पर इसको हम राइट करेंगे M1, और ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे डबल डेरिवेटिव को, दो बार डेरिवेटिव हो गया,
किसका, आर का पोजिशन वैक्टर का, ये फर्स्ट का पोजिशन वैक्टर तो आर वन आ जाएगा, तो एफ वन इंटरनल फोर्स और एफ वन टू जो है वो एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है, तो इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर वन। अब ऐसे ही सेकेंड पार्टिकल के लिए अप्लाई सेकेंड ला, न्यूटन सेकेंड ला, ऑन फॉर एम टू, एम टू के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा एम टू, और यहाँ हो जाएगा डी स्केयर आर टू डिवाइड बाई डी टी स्केयर, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, और फोर्स जो आएगा वो एफ टू, और यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ टू वन, तो ये नेट फोर्स हो जाएगा, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनेगी यहाँ से। अब देखो अगर हम इंटरनल फोर्सेज को चेक करें, ऐड कर दें, सबसे पहले एडिंग इक्वेशन वन एंड टू ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, एक और दो को हम ऐड करते हैं इक्वेशन को, तो एक साइड ये ऐड हो जाएगी, तो इधर आ जाएगा m1 और इधर हो जाएगा डी आर स्केयर, डी स्केयर आर वन डिवाइड बाई डी टी स्केयर प्लस m2 डी स्केयर आर टू डिवाइड बाई डी टी स्केयर, और दूसरी तरफ जो है ये आएगा f1 प्लस f12 प्लस में f2 प्लस f21। तो यहाँ पर ये जो है हमारी इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन में अगर हम चेक करें, क्या चेक करें, हम इन फोर्सेज को चेक करें, इंटरनल फोर्सेज को, हमें पता है इंटरनल फोर्स जो है वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे, क्योंकि ये पेयर में फोर्स लगा हुआ है, और न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एफ वन टू जो आएगा दैट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ एफ टू वन, तो अगर इनका हम सम लेते हैं यहाँ से एफ वन टू प्लस एफ टू वन, तो ये हमारे पास कितना आएगा, जीरो आएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि इस वैल्यू को हम क्या पुट कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू को जीरो पुट कर सकते हैं, और एफ वन प्लस एफ टू जो आएगा, तो एफ वन प्लस एफ टू को क्या राइट करें, एफ वन प्लस एफ टू, ये क्या दोनों ही एक्सटर्नल फोर्स है, ये नेट एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स, इसको हम लिखेंगे नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हमारे पास जो आई है, इसको हमने F राइट कर दिया, क्या राइट कर देते हैं इसको F, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी F इज इक्वल टू एम वन डी स्केयर आर वन डिवाइड बाई डी टी स्केयर प्लस में एम टू डी स्केयर आर टू डिवाइड बाई डी टी स्केयर, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव आर वन और आर टू का आया हुआ है यहाँ पर। अब अगर हम इस इक्वेशन के अंदर M1 को अंदर ले जा सकते हैं, इसमें M2 को अंदर लेके जाया जा सकता है, तो F को राइट करेंगे d स्केयर, क्योंकि M कॉन्स्टेंट टर्म है, उसको डेरिवेटिव के अंदर भी लिख सकते हैं और बाहर भी राइट किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा M1 R1, और इधर हो जाएगा d स्केयर अपॉन डी टी स्केयर, और यहाँ हो जाएगा M2 R2। तो इसी इक्वेशन में अब देखो d स्केयर अपॉन डी टी स्केयर दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी M1 R1 प्लस में M2 अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है M1 प्लस M2 से, और M1 प्लस M2 से डिवाइड भी करना है, लेफ्ट साइड राइट साइड में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर को और डेनोमिनेटर को क्या कर देंगे, डेनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट ऑफ राइट साइड, राइट साइड में करना है हमें किससे, एम वन प्लस एम टू से, हमें एक फॉर्मूला बनाना है, इसलिए हमें इसको याद रखना पड़ेगा ये स्टेप आपको, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो एफ जो आएगा दिस इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू, जहाँ पे ये एम वन प्लस एम टू जो होगा टोटल मास के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी स्केयर अपॉन डी टी स्केयर, और जो डिवाइड वाला है वो हम यहाँ पर ले लेंगे अंदर, डिफ्रेंशिएशन के अंदर राइट करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे एम वन प्लस एम टू से, तो m1 प्लस m2 पूरे सिस्टम का मास हो गया, यहाँ पर m1 प्लस m2 जो हमने लगाया ये पूरे सिस्टम का मास आ गया हमारे पास। तो इसके बाद नेक्स्ट जो काम करना है हमें, अब न्यूटन का सेकंड लॉ का हमें यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम ये सपोज करें भाई r जो हमने सपोज किया था, r क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का हमने पोजीशन वेक्टर सपोज किया था, तो
इसका मीनिंग क्या है, सी पॉइंट पर लाई करता है ये, जहाँ पे पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड है। तो अकॉर्डिंग टू आर के मीनिंग एक्सीलरेशन की अगर हम वैल्यू पुट करें यहाँ पे, एक्सीलरेशन जो आता है हमारा डी वी अपॉन डी टी आएगा, और ये हमारा पोजिशन वैक्टर सेंटर ऑफ मास का, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की। ऐसे एक्सीलरेशन लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ए सी एम का मीनिंग है सेंटर ऑफ मास यहाँ पर। तो इसको हम जो है ए सी एम को हम एक तरह से और राइट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू डी आर सी एम, आर सी एम मीनिंग पोजिशन वैक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, डबल डेरीवेटिव हो जाएगा, एफ जो आएगा दिस इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सीलरेशन, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ये पूरा का पूरा फोर्स जो है कहाँ पर लगा हुआ, उस पॉइंट पर जहाँ पे पूरा मास बॉडी का कंसंट्रेटेड यानी कि सेंटर ऑफ मास पर लगा है। तो मास पूरी बॉडी का इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो एफ को हम राइट कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू डी स्केयर आर सी एम डिवाइड बाई डी टी स्केयर, आर सी एम जो है दिस इज पोजिशन वैक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। एक इक्वेशन हमारी ये बनेगी, और दूसरी इक्वेशन हमारी यहाँ से आई थी, इसकी इक्वेशन को हम दे देते हैं थ्री नाम, और ये इक्वेशन हो जाएगी फोर, फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर, फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर, थ्री और फोर से यहाँ पे मास भी आएगा साथ में m, तो थ्री और फोर नंबर इक्वेशन से हम इसको कंपेयर कर लेंगे, तो m इंटू डी स्केयर अपॉन डी टी स्केयर, और यहाँ पे आर सी एम पोजिशन वैक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ये जो आएगा m1 प्लस m2 जो आया हुआ, देखो यहाँ इसको भी कैपिटल m राइट कर सकते हैं, पूरी बॉडी का मास है ये d स्केयर अपॉन डी टी स्केयर, और यहाँ पर आ जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो m से m कैंसिल और डबल डेरिवेटिव कैंसिल कर देंगे, तो आर सी एम की वैल्यू जो आएगी पोजिशन वैक्टर फॉर द सेंटर ऑफ मास, दिस इज इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। तो ये हमारा रिलेशन आ जाएगा पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए, किसी भी टू पार्टिकल सिस्टम के लिए, बॉडी हैविंग टू पार्टिकल्स। तो ये आपको लर्न रखना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर हम ये सपोज करें कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पे लाई करता है, लेट सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन द ओरिजिन, ओरिजिन पे अगर लाई करेगा तो आर सी एम की पोजिशन वेक्टर की वैल्यू हम जीरो पुट कर देंगे, तो इसका मीनिंग यहाँ से जो आएगा एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, इसकी जो वैल्यू आएगी ये जीरो आ जाएगी, या हम यहीं से राइट कर सकते हैं एम वन आर वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ऑफ एम टू आर टू, या आर वन जो आएगा दिस इज इक्वल टू एम टू डिवाइड बाई एम वन माइनस में आर टू। अब यहाँ पर जो है ये डिसाइड करना है एम वन ज़्यादा है या एम टू ज़्यादा है, अगर मैं ये सपोज करता हूँ एम टू जो है दिस इज़ ग्रेटर देन एम वन, तो ये जो रेशियो आएगा एम वन डिवाइड बाई एम टू एम टू डिवाइड बाई एम वन, ये ग्रेटर देन वन आएगा। तो अगर हम यहाँ से ये रेशियो निकालते हैं आर वन डिवाइड बाई आर टू, तो ये जो रेशियो आएगा यहाँ से आर वन डिवाइड बाई आर टू दिस इज इक्वल टू माइनस एम टू डिवाइड बाई एम वन, और ये नेगेटिव साइन क्या सपोज कर रहा है यहाँ पर, मीनिंग अगर हम ऐसे सिस्टम लेते हैं ये हमारा ओरिजिन है और इधर एम वन है और इधर हमारा है एम टू, इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से ओरिजिन से आर वन, इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये हमारा है आर टू, कहाँ से सेंटर से। तो मीनिंग क्या है कि अगर एक हमारा ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, तो दूसरा हमारा ओरिजिन के कहाँ आएगा राइट साइड में आएगा, ये नेगेटिव साइन सिर्फ क्या शो कर रहा है भी एक अगर ओरिजिन के लेफ्ट में है तो दूसरा जो पार्टिकल होगा ओरिजिन के किस में आएगा राइट साइड में आएगा, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा एक तरह से। और यहाँ से अगर नेगेटिव को ड्रॉप करके हम सिर्फ क्या फाइंड आउट करें, सिर्फ रेशियो आर और आर वन और आर टू की वैल्यू निकाल लें, तो आर वन डिवाइड बाई आर टू जो आएगा दिस इज इक्वल टू एम टू डिवाइड बाई एम वन, और हमने सपोज किया अगर एम टू ज़्यादा है, मीनिंग सेकेंड पार्टिकल जो हैवी है और फर्स्ट पार्टिकल जो है वो लाइट पार्टिकल है, तो ये दिस इज ग्रेटर देन वन, इसका मीनिंग क्या आर वन जो आएगा आर वन डिवाइड बाई आर टू दिस इज ग्रेटर देन वन एंड आर वन इज ग्रेटर देन आर टू। तो मीनिंग क्या है यहाँ पर कि जो हैवी पार्टिकल होगा, हैवी पार्टिकल या लाइट पार्टिकल जो होगा, लाइट पार्टिकल हमने कौन सा कंसीडर किया हुआ है जिसका मास m1 है,
वो उसका पोजीशन ज़्यादा है, इज फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। मीनिंग क्या है, जिस पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, जो लाइट पार्टिकल होगा वो उससे दूर होगा। यहाँ से याद रखने आपको, किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में जिसमें दो पार्टिकल सिस्टम गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें पोजीशन को जो है फाइंड आउट करना है सेंटर ऑफ मास से किसी भी पार्टिकल की, तो ऐसे केस में जो लाइट पार्टिकल होगा वो हमेशा सेंटर ऑफ मास से अवे होगा और जो हैवी पार्टिकल होगा वो हमेशा सेंटर ऑफ मास के क्लोज लाई करेगा। अगर हम ये कंसीडर करें दोनों पार्टिकल का मास इक्वल है, अगर हम कंसीडर करते हैं एम वन जो है वो एम टू के इक्वल है और ये एम के इक्वल है, तब हम इसको कैसे राइट करेंगे, पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला था तो क्या आया था, हमारा आर सी एम जो था दिस इज इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, ये था। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा, इसको भी एम पुट करेंगे इसको भी एम, एम इंटू एम प्लस एम क्या हो जाएगा टू एम, तो टू एम को इधर ले आएंगे टू एम इंटू आर सी एम दिस इज इक्वल टू एम कॉमन आ जाएगा तो आर वन प्लस आर टू हो जाएगा, तो एम से एम कैंसिल तो आर सी एम जो आएगा दिस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू डिवाइड बाई टू। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आएगा फिर सेंटर ऑफ पोजिशन वैक्टर फॉर द सेंटर ऑफ मास के लिए, कब अगर हम स्पेशल केस लेते हैं भी दोनों पार्टिकल्स का मास जो है वो मास के लिए हम इसको कर सकते हैं। तो इसके बाद हम करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स, तो रिजिड बॉडी का केस भी करेंगे हम इसके साथ साथ। तो आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे जो है बार बार इसको एक्सरसाइज कीजिए, पढ़िए इसको। थैंक यू वेरी मच।